हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट में बनाने जा रहे हैं अनलिमिटेड फ्यूल फार्म। माइनक्राफ्ट में कुछ चीज़ पकाने के लिए हमको फ्यूल लगता है, तो आज हम उसी की इसका एक अनलिमिटेड फार्म बनाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए हमको लगेगा कुछ सॉलिड ब्लॉक्स, और मैंने कुछ यहाँ पे स्प्रूस ब्लॉक्स लिया है डेकोरेशन के लिए। और आपको लगेगा 7 पिस्टन, 7 ऑब्जर्वर, 7 हॉपर, 2 चेस्ट लगेगा एंड कुछ ग्लासेस लगेगा, 8 आपको डर्ट लगेगा। यहाँ पे साथ में ही आपका काम चला जाएगा, मैं एक ज़्यादा रखा हूँ। 5 आपको रेल लगेगा, 2 लगेगा पावर रेल एंड 2 लगेगा रेस्टोन ब्लॉक, 1 लगेगा माइनकार्ट विद हॉपर एंड और लगेगा 7 रेडस्टोन डस्ट। तो इतना सब कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट को लगाना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे डबल चेस्ट लगा रहा हूँ एंड हॉपर को लेके पीछे जाके क्राउच होके यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके हॉपर का मुंह देखोगे चेस्ट की तरफ होगा तो ही हॉपर पूरी तरीके से वर्क करेगा। फिर हॉपर के इस तरफ 3 ब्लॉक लगाएंगे एंड हॉपर के दूसरी तरफ 3। इतना हो जाने के बाद आपको रेल लगेगा एंड पावर रेल लेके इसको एक को यहाँ पे क्राउच होके ऊपर एंड फिर से क्राउच होके दूसरी रेल को इस तरफ लगा देंगे एंड बीच में जो हॉपर्स हैं उनके ऊपर नॉर्मल रेल लगा देंगे ऐसे करके। हाँ, हो गया। इतना हो जाने के बाद आपको लेगा रेस्टोरेंट ब्लॉक एंड मैं यहाँ से रेस्टोरेंट ब्लॉक ले लेता हूँ। इसको लेके आपको क्राउच होके रेल के ऊपर लगाना है। रेल पे होल्ड करोगे तो रेल को आउटलाइन हो जाएगा, फिर रेल के ऊपर ऐसे करके आपको रेस्टोरेंट ब्लॉक लगाना है। इसको लगाने का एक और भी आसान तरीका होता है, जो कि आपको कुछ ब्लॉक्स लगाना है एंड फिर इस ब्लॉक पर ऐसे करके रेस्टोरेंट लगा देना है एंड फिर आप इस ब्लॉक को तोड़ भी सकते हो या ना तोड़ोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे करके हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, सॉलिड ब्लॉक्स लेना है एंड इस तरफ का बंद कर देना है जिससे माइनक्राफ्ट आगे खिसके ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, माइनक्राफ्ट विद हॉपर को लेना है एंड इसको यहाँ पे लगा के थोड़ा सा धक्का देना है। धक्का देने के बाद देखोगे माइनक्राफ्ट विद हॉपर चलने लग गया। तो अब हमको लगेगा डर्ट। डर्ट को इस माइनक्राफ्ट विद हॉपर का जो ऊपर वाला लेयर है इसके ऊपर ऐसे करके हमको 7 डर्ट लगाना है, पूरी 7। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा पिस्टन और ज़्यादा ऑब्जर्वर का ज़रूरत होगा और ज़्यादा रेल तो लगेगा ही और हॉपर भी ज़्यादा लगेगा। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आप डर्ट के ऊपर कुछ ड्रॉप करोगे तो वो आपको चेस्ट में मिल जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको सॉलिड ब्लॉक्स लेना है एंड डर्ट के जो पीछे वाले ब्लॉक हैं उनको सॉलिड ब्लॉक से कवर कर देना है। तो मैं यहाँ पे इनको सॉलिड ब्लॉक से कवर कर देता हूँ एंड फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ करते हो, कोबलस्टोन यूज़ कर सकते हो, वुडन प्लैंक्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स यूज़ किया हूँ, तो ऐसे इन दोनों को भी उठा लेंगे दो दो ब्लॉक करके एंड इसको भी एक लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको लगेगा पिस्टन। पिस्टन को लेकर आपको यहाँ पर ऐसे करके प्लेस कर देना है। यहाँ पे मैं 7 पिस्टन प्लेस कर देता हूँ और एक हो गया। 7 पिस्टन यहाँ पे प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, सॉलिड ब्लॉक्स लेना है एंड पिस्टन के पीछे एक सॉलिड ब्लॉक्स का लाइन लगाना है। जी बिल्कुल, इसी तरह से एक सॉलिड ब्लॉक्स का लाइन लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर लेना है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर मैंने रखा है, ऑब्जर्वर को लेना है एंड सामने से ऐसे करके, नहीं सामने से नहीं, पीछे से लगाना पड़ेगा आपको।
आप ऐसे पीछे से लगाओगे तो आपका जो ऊपर वाला जो एरो है वो आपकी तरफ होगा। उनके बाद इसको इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखोगे ये जो एरो है ये फार्म की दूसरी तरफ, मतलब फार्म की पीछे की तरफ फार्म का वो एरो होगा, ऑब्जर्वर का एरो देख ही सकते हो। सामने आपका ये मुंह आएगा ऑब्जर्वर का। एंड इतना हो जाने के बाद आपको रेडस्टोन डस्ट लगेगा एंड सभी ऑब्जर्वर के पीछे इसको करंट पहुंचा देना है, तो इससे ऑब्जर्वर एक्टिव हो जाएगा। जब भी ऑब्जर्वर के सामने कुछ आता है तो ऑब्जर्वर पिस्टन को इशारा देगा पिस्टन को चालू करने के लिए। तो जब भी बैम्बूस ऊपर जाएगा पिस्टन को ऑब्जर्वर इशारा देगा कि बैम्बू आ चुका है, और पिस्टन जब मारेगा तो बैम्बू टूट जाएगा। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी मैं सबको मैं निकाल देता हूँ। एंड आपको ग्लास लेना है एंड ग्लास लेके इस वाले जो ब्लॉक है नीचे वाले, इनको आप चाहो तो स्टोन ब्रिक्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो, और ना करोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे ही रख दोगे तो भी फार्म पूरी वर्क करेगा। फार्म का फिर आपको फार्म का कॉर्नर में आना है एंड यहाँ से मैं स्प्रूस लॉक्स लगाना चालू करता हूँ। सिर्फ डेकोरेशन के लिए है ये, आप ना लगाओगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, फार्म पूरी तरीके से वर्किंग है। ठीक है, मैं इसको डेकोरेशन के लिए कुछ कर लेता हूँ, तो मैं कुछ डेकोरेशन करके आपसे मिलता हूँ। एंड आप चाहो तो पीछे से ब्लॉक माने फार्म का ब्लॉक को छुपा भी सकते हो स्टोन ब्रिक्स लगा के, जिससे आपका फार्म देखने में कुछ बढ़िया लगता है। तो मैं फ़िलहाल कुछ डेकोरेशन करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं यहाँ पे फार्म को पूरी तरीके से डेकोरेट कर चुका हूँ एंड मैंने ऊपर में स्टोन ब्रिक्स का एक छत भी बना दिया है, जिससे कि फार्म को देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। एंड ये वाला जो साइट था ये मैंने छोड़ दिया था, तो इनको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो में एक लाइक कर देना, तो आई होप कर ही दिया होगे इतने देर तक देख ही रहे हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको ग्लास लगेगा एंड ग्लास का ऐसे इस तरह से लगाना चालू करना होगा। ये ग्लास लगाने का एक ही मतलब है कि आपको आप देख पाओ कि आपका फार्म कैसे वर्क कर रहा है। अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आपको बाहर से पता चल जाएगा कि फार्म में कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। एंड ग्लास की जगह आप दूसरी कुछ ब्लॉक लगाओगे तो आप चेस्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। एक सिर्फ ग्लास ही है और स्टेयर्स हैं जिसके थ्रू आप चेस्ट को एक्सेस कर पाओगे। एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बैम्बूस लगाना चालू करना होगा। यहाँ पे मैंने 7 बैम्बू लगा दिया है, अभी तो फ़िलहाल 6 बैम्बू है। मैं पहले नोटिस नहीं किया था, बाद में मैंने इसको 6 कर दिया हूँ। तो इतना हो जाने के बाद देखो मैंने यहाँ पे 7 बैम्बूस कर दिया। इतना हो जाने के बाद एक आपका फार्म पूरी तरीके से वर्किंग है। जब ये बैम्बू ग्रो होगा तब ऑटोमेटिक ही फार्म वर्क करना चालू कर देगा। एंड फिर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे देखो एक बैम्बू चालू बड़ा भी हो गया। मैं यहाँ पे कुछ क्या करता हूँ, हाँ ग्लास लेता हूँ एंड ग्लास लेकर इसको फिल कर देता हूँ। तो मैं कुछ थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। तो देख ही सकते हो मैंने इस फार्म का सामने का तरफ पूरी तरीके से ग्लास से कवर कर दिया है, जिससे ये फार्म देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा लाइट लगा देते हैं जिससे आपका फार्म में उजाला हुआ रहे। तो मैं यहाँ पे फेंस लगा के उसके ऊपर एक लैंटर्न लगा देता हूँ एंड इस तरफ भी कुछ कर देता हूँ लैंटर्न ऐसे ही, तो ऊपर भी लगा देते हैं। खाली खाली लग रहा है ऊपर थोड़ा, नहीं 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 इसको एक ब्लॉक ही रखते हैं, हाँ ऐसे करके लगा देंगे लैंटर्न। तो ये फार्म बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो ये फार्म कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये फार्म पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बैम्बूज अपने आप ही ग्रो होगा, अपने आप ही कट जाएगा और चेस्ट में स्टोर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 बैम्बू अभी से ही आ चुका है, जो बड़ा हुआ था वो कट गया है। एंड आप क्या कर सकते हो, आप कभी कभी आके यहाँ से आपको थोड़ा ग्लास तोड़ना है। एंड तोड़ के मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लास तोड़ लेता हूँ, देख ही सकते हो यहाँ पे सारी बैम्बू लगा हुआ है। एंड आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बोन मिल ले आ सकते हो
एंड बोन मील ले आके आप यहाँ पे बैम्बूस को ऐसे करके ग्रो भी कर सकते हो, जिससे देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रो कर दिया है एंड ये कट चुका है। आप ऐसे करके बोन मील भी मार सकते हो, जिससे आपका फार्म जल्दी जल्दी वर्क करेगा अगर आपको जल्दी बैम्बू लगेगा तो। ये फिलहाल अभी यहाँ पे देख ही सकते हो ये फार्म कैसे वर्क कर रहा है। ये बैम्बू नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है ना, इसलिए वो वहाँ पे अटक जा रहा है। अगर ग्लास लगा हुआ है तो ये यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये फार्म बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। देख ही सकते हो कैसे वर्क कर रहा है फार्म। देखो देखो ये बैम्बूस नीचे चला गया एंड वो खुद में खुद आके चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तो देख ही सकते हो वो को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्मोकर ले लिया है एंड यहाँ पे बैम्बूस रख दिया है नीचे एंड मैं यहाँ पे कुछ हाँ ये रहा, मैं यहाँ पे कुछ फूड ले लेता हूँ एंड इसको जब स्मोकर में रखोगे आप देखोगे ये पकना चालू हो गया एंड आपको खाना मिल भी चुका है। यहाँ पे मैंने कुक पॉट चॉप को कुक कर लिया है। हाँ ये बात अलग है कि बैम्बू ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी आपके पास फार्म होगा तो आपके पास बहुत सारा बैम्बूस होगा उसको पकाने के लिए, तो आप इसको पका सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जो भी चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में दिए हुए बेल बटन को बजा देना, जिससे अगले आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसी तरह चैनल में जुड़े रहना, मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।